कांग्रेस ने 1947 में देश का विभाजन कराया। पहले देश को बांटा, अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में क्या कह रही है? कह रही है हम भारत के अंदर संपत्ति सर्वे कराएंगे। संपत्ति सर्वे का मतलब आपकी संपत्ति का सर्वे ये लोग कराएंगे। फिर संपत्ति, आपकी संपत्ति का सर्वे करा करके आपके बाप दादों की जो कमाई है ना, इस कमाई को वे लोग एक वरासत टैक्स इस पे लगाने की बात कर रहे हैं। आपने सेम पित्रोदा का बयान पढ़ा होगा, इसमें वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स क्या? अगर आपके बाप दादों ने चार कमरे का घर बनाया है तो कहेंगे तुम दो कमरे में रहो, दो कमरे कांग्रेस या सपा के लोगों के अधिकार में चला जाएगा। बहनों और भाइयों, अरे मेहनत करेंगे आप, परिश्रम करेंगे आप, खून और पसीना बहाया, मेहनत से उन्होंने संपत्ति अर्जित की। और डकैती डालने के लिए कांग्रेस के लोग, रिंटी गठबंधन के लोग आएंगे, क्या ये छूट देंगे क्या आप इनको? क्या ये छूट देंगे? पहले देश को बांटा, आज आपकी संपत्ति को बांटने की साजिश से लोग कर रहे हैं। यानी कितने खतरनाक साजिश रच रहे हैं। हम जब किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं उसके लिए लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उसके घर में जाकर के फतिया पड़ते हैं, लेकिन एक गरीब, एक व्यापारी, एक सामान्य नागरिक की संपत्ति पर ये लोग डकैती डालना चाहते हैं। बहन और भाइयों, यही नहीं, कांग्रेस ने और भी बातें कही है। उसने कहा पर्सनल कानून को लागू कर देंगे। पर्सनल कानून को लागू करने का मतलब आप जानते हैं? तीन तलाक की जो कुप्रथा बंद की है मोदी जी ने, इसको लोग फिर से लागू करेंगे। पर्सनल कानून को लागू करने का मतलब आप जानते हैं ना, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का तालिबानीकरण करने की साजिश का हिस्सा है। और यही नहीं, ये कह रहे हैं अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खाना खाने, खान पान की पूरी छूट देंगे। उनकी रुचि क्या बहुसंख्यक से अलग है क्या? उनकी रुचि क्या अलग है क्या? अलग रुचि का मतलब क्या? जो आप नहीं खाते हैं वे खाना चाहते हैं, उसके लिए स्वतंत्रता देंगे। यानी उनको गौ कसी की छूट देंगे। क्या आप गौ कसी की छूट दिलवाएंगे ये कांग्रेस सपा बसपा के लोगों को? हिंदू के लिए इससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता। और कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, देश को दंगों के आग में झोंकना चाहती है। अपने स्वार्थ के लिए भारत के विभाजन की आधार रखना चाहती है। हिंदुस्तान इसको कतई स्वीकार नहीं करेगा। क्या स्वीकार करेगा? जो एक पाप करने पर उतार हो चुके, देश के पुण्य क्षति करने पर, क्या राम और कृष्ण की धरती पर क्या गौकसी होगी क्या?